दौरान कर लेंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी वर कवरिंग द लेसन ओके 8 आई थिंक, लेसन 8 ऑफ सिविक्स ओके, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। एंड टुडे इज सेकेंड सेकेंड ऑफ डिसम्बर, वेडनेसडे। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर लॉज फॉर द मार्जिनलाइज, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज। वी विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेक्शन आई विल गो थ्रू द लाइन्स दैट हैव बीन रिटन बाय सोराबाई। ओके लेसन 8 सिविक्स। नाउ इफ यू ऑल ऑफ यू हैव योर बुक, जस्ट ओपन अप योर बुक्स एंड हैव अ लुक। ओके द पोएम बिलो इज रिटन बाय सोराबाई, ओके द वाइफ ऑफ द वेल नोन भक्ति पोएट चोखा मेला, फ्रॉम पेज नंबर 96, ओके 14th सेंचुरी महाराष्ट्र। सो वट वी सी दैट सोराबाई शी वॉज द वाइफ ऑफ, ओके सोराबाई शी वॉज द वाइफ ऑफ ओके चोखा मेला, पेज नंबर 96। टेस्ट आज लेंगे कि कल? नो बेटा फ्राइडे। ग्रुप में मैं मैसेज करूंगी, आपको बोली थी ना कि टेस्ट के पहले मैसेज आएगा। ओके अब भक्ति पोएट ऑफ 14 सेंचुरी, ठीक है ना, 14 सेंचुरी के ये कवि थे, ठीक है ना। और भक्ति मूवमेंट आपको पता है, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लास 7 में। नाउ सी ओके दे बिलोंग टू द महर कास्ट विच वॉज एट दैट टाइम कंसिडर्ड अनटचेबल। तो महर समुदाय के लोग वो लोग हुआ करते थे जो आपके घर में जो है ओके झाड़ू पोछा का काम किया करते थे, ठीक है ना, उनको महर महरी कहा जाता था। ओके तो देखो सोराबाई क्या कहती हैं, अ बॉडी इज अनक्लीन दे से ओनली द सोल इज अनटेंटेड, ठीक है ना। तो ये शरीर जो है ये मलिन है, ये गंदा है, ओके और आत्मा जो है वो ओके साफ सुथरी है। बट द इम्प्यूरिटी ऑफ द बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी, बाई विच रिचुअल डज द बॉडी बिकम प्योर। नॉट अ क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वूम, ओके तो जो कोई भी शिशु जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, ओके जब वो उस गर्भ में रहता है तो वो एक गंदी जो है ओके थैली में रहता है, खून से भरी गंदी थैली में खून उसी जब वो माँ के गर्भ में रहता है। हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, जब आप पुराण उड़ान सुनेंगे गरुड़ पुराण या बाकी जो सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो असहनीय पीड़ा जो है वो सहता है और वो उस नरकी जीवन से जो है निकलने की कामना करता है, ईश्वर से कहता है कि मुझे इस मलमूत्र से भरे इस गंदे थैली से आप बाहर निकालिए और मुझे संसार का आप दर्शन कराइए। लेकिन वो मल मूत्र वाली जो थैली होती है ओके जो माँ का जो गर्भाशय होता है ओके उससे भी मलिन होता है बाहरी ओके जीवन, ठीक है ना। क्योंकि बाहर जब आप आते हैं संसार में आप कुछ अच्छे लोगों के भी जो है उनके कांटेक्ट में आते हैं और साथ ही साथ जो नेगेटिविटी है जो वाइसेस हैं हमारे इर्द गिर्द उनसे भी हम जो है संपर्क में आते हैं। तो बाहरी दुनिया जो है वो उतनी साफ सुथरी मतलब जो गर्भाशय है या जो ब्लडी वुम्ब है वो उतना गंदा नहीं है, उतना इम्प्योर नहीं है जितना कि बाहरी संसार है। ओके डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, द बॉडी इज पोल्यूटेड फ्रॉम विद इन, बी श्योर ऑफ इट सेज द महरी चोखा। ओके तो ये जो समाज के जो लोग हैं ये ब्राह्मणों को अटैक कर रही हैं, अपर कास्ट के लोगों को अटैक कर रही हैं। ओके सो व्हाट वी सी दैट बाय हर पोएम ओके सी रेजेस क्वेश्चन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है समाज में ओके फेस्ड ओके फ्रॉम द अपर कास्ट। तो उच्च जाति के जो लोग हैं ओके वो लोग उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उसके प्रति जो है वो अपना ओके विरोध जो है वो प्रस्तुत कर रही हैं, ठीक है ना। ओके नाउ सी
हर कोई जो है उसी तरीके से पैदा होता है, चाहे वो एक ब्राह्मण हो चाहे वो एक क्षत्रिय हो, हर वो व्यक्ति जो है माँ के गर्भाशय में रहता है, ओके, वो नरकी जीवन जी के ही एक ओके बाहरी दुनिया का जो है वो दर्शन करता है, ठीक है ना। सौरभ भाई इज क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड आर्ग्यूइंग दैट सिंस एवरी ह्यूमन इज बोर्न इन द सेम मैनर देयर इज नथिंग दैट मेक्स वन बॉडी लेस और मोर प्योर देन द अदर। Since everyone is born the same way, how can we define a body to be pure and another body to be impure? She is possibly also trying to say that pollution, a key tool of the caste system to separate or deny people access to spaces, work, knowledge, dignity, occurs not through the nature of the work done, but from within, from your thoughts, values, and beliefs. Okay, so what she says, okay, it is our thoughts. It is our thoughts. values, okay, it is our thoughts, our values and beliefs that, okay, shape our thinking towards others, ठीक है ना। तो ये हमारी जो सोच है ओके औरों के प्रति, ये कैसे इसका जो है निर्माण होता है या ये कैसे इसका विकास होता है, ओके, ये होता है हमारी जो ओके हम लोग जो चिंतन करते हैं, हम लोग जिन मूल्यों को लेके आगे बढ़ते हैं, ओके, उन सारी चीजों की वजह से जो है, और हमारी जो एक धारणा बन जाती है कि ये व्यक्ति जो है शूद्र है, ये व्यक्ति जो है ब्राह्मण है, ऐसी एक धारणा लेके जब हम चलते हैं तो हमारी जो है सोच भी जो है उसी प्रकार की जो है हो जाती है औरों के प्रति। तो सोराबाई ये कह रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि दलित शब्द का मतलब क्या हुआ है, दिया गया है, ओके, देखो द वर्ड दलित मीन्स ब्रोकन, ठीक है ना। आप पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, ओके, द वर्ड दलित मीन्स ब्रोकन, ओके, ठीक है ना। अब ब्रोकन का मतलब ये नहीं कि टूटा हुआ है, ओके, इनके मनोबल को तोड़ दिया गया है। हमारे समाज में जो है शुरू से ही जो इनके साथ जो भेदभाव होते आ रहा है, जो वैदिक काल से ही जो है हम देख रहे हैं कि समाज को है वर्णों के आधार पे जो है विभाजित कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो शूद्र हैं उनको जो है ना तो ओके मंदिरों में जाने दिया जा रहा है, ना गांव के कुएं से पानी पीने को दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है, ओके। तो एक तरीके से जो है दलित शब्द का मतलब होता है ओके मानसिक रूप से ओके टूटे हुए व्यक्ति, जिनको कभी जुड़ने का चांस ही नहीं दिया गया, ओके, द पीपल हु हैव बीन ब्रोकन मेंटली एंड फिजिकली, ओके, फिजिकली इन द सेंस दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्सेस, ओके, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्सेस दैट आर बीइंग एक्सेस्ड बाय एवरीवन, सो दे हैव बीन ब्रोकन एंड एज सच दे आर नॉट एबल टू गैदर मेंटल सपोर्ट एंड because of the lack of mental support they are not becoming strong to face the obstacles that are there for them in the society. जब तक आप मनोबल, जब तक आप अपने मनोबल को नहीं जुटा पाते हैं, जब तक आप अपने मनोबल को नहीं एकत्रित कर पाते हैं, तब तक आप शारीरिक रूप से भी जो है किसी चीज का सामना करने योग्य नहीं बनते हैं, ओके, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये आपके हिंदी में है, ठीक है ना। तो अगर आपका मन ही हार जाएगा तो आपका तन कैसे साथ देगा। तो मन का जो है ओके तन के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है, और जब आप मन में ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि नहीं हम सारी बाधाओं को ओके सारी बाधाओं का सामना करके हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में हम ओके दिखा के रहेंगे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने किया, आपने देखा होगा उनके ऊपर बायोपिक बनी थी अभी कुछ समय पहले जो है स्टार भारत पे टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसमें आपने देखा कि बचपन से ही उस व्यक्ति के अंदर ये था, एक जो है जुनून था अपने आप को प्रूफ करने का, अपने जो समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है ओके उसका अंत करने का। और हम देख रहे हैं कि ओके वो अपने प्रयास में सफल होते हैं। जब कोई चीज आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है तो आपको उसको करना है, चाहे आप कैसे भी करें। अगर बच्चे ठान लेते हैं कि नहीं हमें टॉप करना है तो वो सारी चीजों को ओके जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन सारी चीजों से अपने आप को परे रखते हैं, ठीक है ना। बाकी बच्चे खेलने जा रहे हैं वो अवॉइड करेंगे, वो खेलेंगे रिक्रिएशन के लिए जाएंगे, जब उनका शरीर जो है पढ़ते पढ़ते थक जाएगा तब वो थोड़े देर के लिए जो है अपने आप को रिक्रिएट करेंगे,
ओके एंड द स्टूडियस चिल्ड्रन दे विल नॉट गो फॉर अननेसेसरी एक्टिविटीज लाइक द चिल्ड्रन व्हाट वी सी ओके साइकिल उठा लिए चले गए. अब जब पढ़ने का समय हुआ उनका शरीर इतना थक गया है कि उनके पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है. ओके सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड वी हैव टू फोकस आवर सेल्फ. देयरफॉर दलित कैन इनवोक और ड्रॉ ऑन अ फंडामेंटल राइट इन सिचुएशंस वेयर दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली by some individual or community or even by the government. They have drawn the attention of the government to the constitution demanding that the government abide by it and do justice to them. Okay. Krishi Kumar, Yashraj. Now I'm calling out the names, just check out children. Rehan Ali, Divyanshu, अभिनंदन, निधि, आकांक्षा गुप्ता, अंकित कुशवाहा, अक्षत सिंह, आशुतोष, आयुष 8391, दिव्यांशु, कोमल, अभिषेक गिरी, ओके, आदर्श राज, अदिति सिंह, अमन अली अंसारी, अनुष्का 8052, अर्पिता गिरी, अंजुम मसूद, अमन अंसारी, साहिद, श्वेतांजलि, सिमरन, तृप्ति, सूरज, विश्वजीत, विवेक, अभिषेक यादव, अविनाश, चेतन, अभिषेक यादव 8114, अविनाश, चेतन, गौरव चौरसिया, हर्षित सिंह, हर्षिता गुप्ता, हिमांशु, ओके, कृष्णा वर्मा, कोमल बोल चुके हैं, महावीर, मुस्कान सिंह, निहारिका, नीतीश कुमार, ओम सिंह 8276, रवि गुप्ता, रवि रंजन, सत्यम, कृषि कुमार, यशराज. एनीबडी लेफ्ट आउट? Yes, ma'am. Ma'am, Niki Singh. Yes, ma'am. अच्छा अभी जुड़े हो सर. हाँ कर दे रहे बेटा. Niki Singh, Gaurav Singh. Okay. Gaurav Singh. अर्पिता गिरी. कर चुके बेटा. आपका तो नाम कॉल आउट किए थे. आपने ध्यान नहीं दिया. Okay. Now this Piyush has arrived just now in the middle of the class. प्रियांशु, हाँ प्रियांशु कुमार, रवि गुप्ता, रवि गुप्ता बोल चुके हैं बेटा. हाँ रंजना वर्मा हो चुका है. नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द क्लास बेटा. ओके देखो पेज नंबर 96 पे थे हम लोग. लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, ये कौन से मौलिक अधिकार में, इनका धारा क्या है, इनकी धाराएं क्या है? अभिषेक. हाँ बेटा हल्का सा ज्यादा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, व्हाट आर द आर्टिकल्स? ये चीज बहुत गलत लगती है बेटा. आप लोगों को इतना डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद कोई सवाल करती हूँ तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं. हाँ हाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर विच आर्टिकल इट इज देयर? 14. हाँ हो गया, पढ़ लिए आप लोग. 25 to 28. गुड. ओके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज आर्टिकल ओके 25 to 28 एंड कंट्रोल एंड एजुकेशनल राइट्स ये किसमें है बेटा? Articles 29-30, educational rights, ठीक है ना? ये 29-30 है, articles 29-30, ठीक है ना? ये धाराएं नहीं याद रहेंगी ना तो सिविक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा. हाँ यू नीड टू मेमोराइज द आर्टिकल्स एल्स इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. सी नाउ सी लाइकवाइज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ओके
And they have particularly drawn upon the right to freedom of religion. Hamara desh jo hai ek multi-religious country, our country is a multi-religious country. We see people belonging to different religions, they are residing peacefully in our country. Aur hamara desh jo hai wo sarva dharma sambhav leke is bhavna ko leke aage badhta hai. Sarva dharma sambhav. Iska matlab ye hai ki hum har dharm ke jo log hain, theek hai na, unko hum equal respect dete hain. Agar hum samne wale ko respect nahi denge to hum अपने धर्म के लिए भी जो है सम्मान जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन. कीप इट देयर. ओके, इन केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक अधिकार. In case of cultural and educational rights, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture. Har kisi ko ye adhikar hona chahiye apni sanskriti ka sanrakshak banne ka. Okay? Aur ye adhikar hame hamara samvidhan deta hai. Theek hai na? As well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. Thus, by granting different forms of cultural rights, the constitution tries to ensure cultural justice, okay, to such groups. So how is cultural justice established? Cultural justice is established by giving, okay, cultural rights. Cultural justice, okay, Sanskritik Nyay is established by giving rights. By giving rights to the minority groups. ठीक है ना? Rights to, okay, communities having distinct culture. तो हर किसी को अपनी संस्कृति का जो है संरक्षक बनने का अधिकार है, और इसके लिए अपने संस्कृति को और बेहतर बनाने के लिए उसको जो सुविधाएं चाहिए वो हमारा संविधान उन्हें इन ओके सांस्कृतिक अधिकारों के द्वारा जो है देता है. और ये जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है ना? और एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं. ओके, द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल. शॉर्ट में लिख देने आर जस्टिसिएबल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनका हनन करने का प्रयास करता है, आपसे इनको छीनने का प्रयास करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं और आपको आपके अधिकार ओके वापस मिलेंगे. नोबडी कैन टेक योर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यू. ऑल द सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर देयर. ओके, बट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ये राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, ये सस्पेंड हो जाते हैं. You cannot utilize your fundamental rights. When? Can you tell me? Gandhi Jayanti. These are the national festivals, and when we are celebrating the national festivals, the fundamental rights, they remain suspended. Okay? ठीक है ना? So this is there. Now see. Thus, by granting forms of cultural rights, tries to ensure cultural justice to such groups. The constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority community. तो बहुसंख्यक समुदाय जो है इनकी सांस्कृतिक धरोहर को इनसे ना ले सके, इसलिए जो है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है संविधान देता है उन लोगों को. ओके, नाउ सी who are the marginalized. Now Abhishek Yadav is sitting in front of me. He will tell some of the marginalized groups of our country. Chalo bata. Tell fast. Marginalized shabd ka matlab kya hoga Hindi mein? Janab keh rahe the ki main Dadri Mela ghoom ke aaunga. Hain? Nahi jao ghooma. सुन रहे हो आप लोग? हाँ, ये गए थे ददरी मेला घूमने. इज अ होपलेस केस. सिट. हाशी पर. हाशी मुस्लिम. यस, मुस्लिम्स, आदिवासी, ट्राइबल्स, आदिवासी, ठीक है ना? माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज बेटा. ओके, आप माइनॉरिटीज जो हैं उनको आप मार्जिनलाइज कह सकते हो. सो व्हाट वी सी, सम ऑफ द मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर Some of the marginalized groups are, okay, Muslims. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? Are आदिवासीज, okay, Muslims,
एंड माइनॉरिटीज, ठीक है ना. सो दीज आर द, यस बेटा, आई हैव जस्ट वाइप्ड आउट द बोर्ड ना, दैट इज व्हाई इट इज नॉट विजिबल. ओके, अभी सूख जाएगा तब दिखाई देने लगेगा. Now see, as you read, the government makes laws to protect its citizens, yet this is not the only way in which it, okay, in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. Okay, there are policies or schemes that emerge through other means, like setting up a committee or by undertaking a survey, etc. ये हम सबको पता है कि okay, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको जो है बहुसंख्यक समुदाय से बचाने के लिए हमारे संविधान ने जो है ये प्रावधान बनाया है कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनको okay, कुछ सुविधाएं दी जाए, ठीक है ना. ओके, फॉर देर हैज बीन प्रोविजंस फॉर द सेफगार्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट. Now what we see, okay, the government then makes an effort to promote such policies in order to, okay, give opportunities to specific groups. Now promoting social justice, what does it mean? Abhishek Giri, promoting social justice, iska matlab kya hua? Abhishek, Mahabir, aap bataiye. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इसका मतलब क्या हुआ मैम? सामाजिक न्याय स्थापित करना, हाँ, या सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना. सामाजिक न्याय करना मैम, हाँ, सामाजिक न्याय को जो है प्रोत्साहित करना या उसको प्रमोट करना. एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज और इन एरियाज दैट हैव अ हाई दलित पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स. ओके, सो द गवर्नमेंट ओके प्रोवाइड्स व्हाट? फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स, ठीक है ना. सब्सिडाइज का मतलब, हाँ, आवश्यकता से उसके मतलब कुछ करना फॉर दलित स्टूडेंट्स, ठीक है ना. दलित स्टूडेंट्स होते हैं और जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है सरकार जो है ओके कम दरों पे ओके कम कीमत पे जो है उनको ओके हॉस्टल्स प्रदान करती है और कुछ कुछ जगहों में निःशुल्क, फ्री मतलब जो है निःशुल्क जो है ओके आवासीय सेवाएं, ठीक है ना. ओके, छात्रावास की व्यवस्था जो है जो दलित समुदाय के जो बच्चे हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको प्रदान की जाती है, सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन अदर लोकेलिटीज. ओके, तो उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं सो दैट ओके दे कम एट पार, सो दैट दे ओके कम एट पार विथ अदर पीपल, विथ ओके अदर स्टूडेंट्स, ठीक है ना. जो उनके उम्र के जो बच्चे हैं जो ओके बहुसंख्यक समुदाय को बिलोंग करते हैं या जो संपन्न परिवारों से आते हैं उनके बराबर इनको लाने के लिए जो है सरकार जो है निःशुल्क और कम दरों वाले जो है छात्रावास की व्यवस्था रखती है ताकि दलित बच्चे जो हैं ओके दलित समुदाय के बच्चे और जो आदिवासी बच्चे हैं वो वहाँ पे रह सके और पढ़ाई कर सके. व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी. ओके, एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई सॉ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट गेटिंग ए स्टिपेंड. ओके, उनके हॉस्टल की जो है एक्सपेंस कुछ नहीं लगता था. जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के बारे में बताई हूँ जो ट्राइबल थी, ओके, रेणुका रजनी बेक, शी वाज अ शेड्यूल ट्राइब, शी यूज्ड टू गेट अ स्टिपेंड. ये जो ओके जो दलित समुदाय और ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको सरकार से स्टिपेंड भी मिलता है, सालाना इनको स्टिपेंड मिलता है जिसको आप स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं. दे गेट टू गेट बेटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको जो है ये स्टिपेंड सरकार देती है, ठीक है ना. Now see, in addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system. Okay, जो
व्यवस्था है, समाज में जो व्यवस्था है उसमें असमानता को खत्म करने के लिए जो है समय समय पे सरकार जो है वो कानून बनाती है और उन कानूनों को जो है प्रयास करती है कि वो लागू हो जाए, ठीक है ना, पूर्ण तरीके से। बेटा कॉन्क्रीट ठोस, कॉन्क्रीट मतलब ठोस, ओके ठीक है ना, हाँ ठोस कदम उठाना, ओके कॉन्क्रीट स्टेप्स मतलब ठोस कदम उठाना, ओके। द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन, सी वन सच लॉ पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। अब ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ओके रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, इसको स्टार्ट किसने करवाया था, हु स्टार्टेड दिस? हमारे संविधान में जो है ये आरक्षण की व्यवस्था है, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे और इन्होंने ये क्यों किया था? प्रियांशु शायद पता है तुम्हें, आरक्षण की व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? हाँ, और ये कब तक रहेगी? देश जो है हमारा, हमारा संविधान जो है 1950 में काम करना शुरू करता है ना, हाँ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन 1950 ना, हाँ यस और नो? यस मैम, यस मैम, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ओके 1950। तो हमारा संविधान 1950 में जो है ये काम करना शुरू करता है, और ये आरक्षण की व्यवस्था कब तक रखने की बात हुई थी? 2015। हाँ 2025 ना, लगभग 75 साल के लिए ये व्यवस्था रखी गई थी ना, क्या कहते हो आप लोग? आरक्षण कहते हैं इसको, देखो ठीक है, इसके बारे में पता करने की कोशिश करिए, बाकी मैं बताऊंगी, ओके ट्राई टू गो थ्रू दिस, ऑल ऑफ यू आर हैविंग द मोबाइल, ऑल ऑफ यू आर हैविंग द नेट कनेक्शन, ट्राई टू गो थ्रू व्हाट इज रिजर्वेशन पॉलिसी एंड ओके हु स्टार्टेड दिस पॉलिसी एंड अप ओके टिल हाउ मेनी इयर्स दिस रिजर्वेशन पॉलिसी वाज सपोज्ड टू बी इन ओके एज फार एज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, ठीक है ना। हमारे संविधान में ये आरक्षण की जो व्यवस्था है ये कब तक रखने की बात की गई थी, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग हैं वो जो सामान्य वर्ग हैं उनके बराबर आ सके, वो मुख्य धारा में जो है अपने आप को ओके कदम से कदम मिला के वो लोग चल सके, इसके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। सब जो है टीचर ही नहीं बताते हैं, कुछ आपको भी करना होता है, करिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगी। The laws which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections. Okay? सदियों से जो इन लोगों को ओके जो समाज के जो संसाधन है इनका उपभोग करने से इनको वंचित रखा गया, इनको जो है कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, ना तो इनको पढ़ने का अधिकार दिया गया, ना इनको मुख्य धारा में आके बाकी के बराबर काम करने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे लोगों को अगर हम रातों रात कहेंगे कि हम उनको जो है समानता का अधिकार दे रहे हैं तो वो संभव नहीं है, ओके इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। आप एक व्यक्ति को जो है लंबे समय तक उसको अंधेरे कमरे में आप बंद करके रख दीजिए, और उसके बाद जो है आप उस कमरे से उसको बाहर निकालिए और उसको कहिए कि चलो दौड़ के दिखा। सबसे पहली बात तो वो व्यक्ति अंधेरे में रहते रहते जो है वो अंधेरे का आदि हो जाएगा, और जब वो उजाले में आएगा तो उसकी आंखें चौधिया जाएंगी, वो स्पष्ट देख नहीं पाएगा, वो लड़खड़ाएगा, ओके। और जो सूर्य की जो किरण होती है, ठीक है ना, जो रोशनी होती है वो हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है, तो उसका शरीर भी जो है लगभग जो है ओके कमजोर हो गया रहेगा। और एक ऐसे व्यक्ति को जो लंबे समय से बंद कमरे में है वो ओके उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दौड़ो, हाँ वो दौड़ लगाए, तो क्या ये संभव है? नहीं है ना। हाँ सो एवरीथिंग शुड गो स्टेप बाय स्टेप,
So for this, the reservation policy was there, okay? And this reservation policy has helped these communities who have been denied access to resources in the past, okay? Now they are getting the right to utilize the resources. एक एक करके सरकार नियम बनाते जा रही है, okay? और हम देख रहे हैं कि ये जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, आप ये अपने आप को मुख्य धारा में जो है शामिल कर रहे हैं, ये हमारे बराबर जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है? हमारे साथ जो है ये कम्पीट कर रहे हैं सरकारी जॉब्स के लिए, ओके? एंड दे आर आल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, हम भी अपना विकास कर सकते हैं अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ते हुए, ओके? सो दिस इज देयर हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क. अब ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये कैसे काम करती है, विल यू टेल मी how is the reservation policy working in our country? I have given you the example of UPSC, Union Public Service Commission के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में. Any idea? How does the reservation policy work? This is not ठीक है. मान लो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें 100 सीट है, ठीक है ना? उसमें 100 सीट है, तो इस 100 सीट में हम देखेंगे कि 40 सीट जो है ये जनरल के लिए रिजर्व है, ठीक है ना? 40 सीट जो है जनरल के लिए रिजर्व है, और बाकी जो बचे 60 सीट में हम देखेंगे SC ST, ओके, OBC. चूंकि अभी एक नया कास्ट आ गया.